दिखाई दिया चांद और देश भर में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। इस बार रमजान का त्यौहार ऐसे समय पड़ रहा है जब देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन है। इस मुश्किल की घड़ी और रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के नेता व समाज सेवी हाजी गुलाब खान व सुन्नी समाज के कमेटी के साथ 1000 की संख्या में खाने पीने का सामान वितरण किया। समाज सेवियों से TNX TV के रिपोर्टर दयाशंकर तिवारी ने की चर्चा। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हाजी गुलाब खान ने तहसीलदार व अपनी टीम सुन्नी मुस्लिम समाज के सेक्रेटरी इमरान खान, खजांची अब्दुल मजीद ताज के साथ कोरबा में जहां जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहां पहुंचकर लोगों का हाल जाना। 25 अप्रैल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है, उसी को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर में रहे सभी मुस्लिमों से सहरी व इफ्तार की व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश मुस्लिम समाज के नव नियुक्त सरपंच एवं कोरबा जिला सुन्नी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हाजी इकलाक ने तहसीलदार के साथ कोरबा में बालाजी ट्रामा सेंटर, टॉप इन टाउन होटल, रशियन हॉस्टल, होटल रिलैक्सिंग, उर्गा ग्रीन पार्क, NTPC, NTPC प्रगति नगर सभी जगह गए और लोगों का हाल जाना। उन्हें बताया गया कि उनके लिए सहरी व इफ्तार के लिए सुन्नी मुस्लिम जमात के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। इकलाक खान ने अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज कोरोना वायरस की महामारी से बचाव के लिए सभी स्वास्थ्य निर्देश एवं सरकार की एडवर्टाइजरी का पालन करते हुए रमजान के पाक मुबारक दिनों में राष्ट्र की खुशहाली और स्वस्थ राष्ट्र के लिए दुआ करें। हाजी इकलाक ने कहा कि रमजानुल मुबारक के पाक मौके पर मस्जिदों में बाजमात अदा की जाने वाली नमाज तरावी की पाबंदी करें और सभी लोग अपने अपने घरों में ही नमाज को पढ़े, वहाँ भी सोशल डिस्टेंस के साथ। इफ्तार के वक्त अपने घरों में रोजा खोले, इस दौरान भीड़ ना बढ़ाते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से करें। रोजा खोलते वक्त देश के लिए खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगते हुए अल्लाह से इस कोरोना वायरस से निजात पाने की भी दुआ करें। साथ ही कोरोना कमांडोज का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें। इकलाक खान ने कहा कि मस्जिदों में सिर्फ इमाम सहित 3 लोग नमाज अदा करें और बाकी तमाम लोग घरों में रहकर नमाज पढ़ें और इस महामारी से बचाव के लिए दुआ करें। मैं इकलाक खान मेरे को मुस्लिम समाज में संरक्षण की जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ शासन या छत्तीसगढ़ समाज के द्वारा। बाकी राजनीति में समाज सेवी में तो है, कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस हमारे जनाब जुम्मन खान साहब जो सुन्नी मुस्लिम समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं, जामा मस्जिद वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे मोहम्मद यूनुस साहब जो ACCL मस्जिद के सरपरस्त हैं और वैसे भी आप संगीत की दुनिया में कभी युग की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं और आपकी बहुत बेहतरीन शायर है, ये हमारे सीनियर हैं, मार्गदर्शक हैं, इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन से मैं इस काम को अंजाम। हमारे अजीम भाई हैं जो यहाँ सुन्नी मुस्लिम जमात के एक जिम्मेदार शख्स हैं, सदस्य हैं और वो भी बहुत सीनियर हैं। मैं शुरू में जब कोरोना में था तो उन लोगों के मार्गदर्शन से मैं समाज सेवा क्षेत्र में जी हमारे मुस्लिम समाज के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है शासन की अनुमति के आगे रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, एक महीना चलता है जी। देखिए रमजान का पवित्र महीना 25 तारीख शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान का मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऐसा हमारे इस्लाम धर्म में है कि रमजान मतलब बुराइयों को समाप्त कर देना, तो ये जो हर इंसान के अंदर छोटी मोटी जो बातें रहती हैं इस रमजान के महीने में इस बुराइयों को हम समाप्त कर देंगे। और ऐसा हमारा अल्लाह ताला फरमाता है कि इस महीने में जो बंदा हमसे जो भी दुआ करेगा वो दुआ रद्द नहीं होगी। तो हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं कि जो आज कोरोना पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान में भी
है तो आप हर नमाज के वक्त, सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त ये देश के लिए दुआ करें, अपने जिले के लिए दुआ करें, अपने घर के लिए दुआ करें कि जो कोरोना जैसी महामारी है इससे हम सबको निजात मिल जाए और हमारा देश फिर से पुराने लाइन पटरी पर आ जाए, जिससे कि हमारे देश में जो तरक्की हो रही थी, जो तरक्की अभी रुक गई है, वो फिर से दोबारा चालू। कोरबा जिला प्रशासन के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से और अपने समाज के तरफ से, मैं कोरबा के कलेक्टर महोदय और जो उनका अधीनस्थ अधिकारी है, पुलिस प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है और जो सफाई कर्मचारी है, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सलाम करता हूँ। और उनके जज्बे को, जिस तरह से उन्होंने आज इस तपती हुई धूप में 40 डिग्री कोरबा का टेम्परेचर चल रहा है, इसके बाद भी आप देखिए हमारे पुलिस के जवान हमारी आपकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं, धूप में चिल्लाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, और हमको आपको अगर 10 मिनट खड़ा रहना है हमारी हालत, तो ऐसे योद्धा जो हमारे देश में इन्हीं की मेहनत की बदौलत आज हम कोरोना पर विजय पा रहे हैं। और कोरोना जिस तेजी से कठघोरा पैर पसारा था, सबको डर लगा था, लेकिन हमारे प्रशासन के कुशल नेतृत्व की वजह से, और जिससे हमने उस कोरोना पर, जैसे आप बता रहे हैं कि 6 लोग बचे हैं, और मैं ये कहता हूँ बहुत जल्द से जल्द वो 6 के 6 लोग भी ठीक हो जाएंगे और हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, खासकर कोरबा जिले में कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज वो 0 हो जाएगा, यही मेरी कामना है। अब अपने अल्लाह से ये क्या गुजारिश करते हैं, मात्र 6 दिन बचा, 3 तारीख खत्म होने वाला जी, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, जो 3 तारीख को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो कोरबा जिला, छत्तीसगढ़ के लोग समान आ जाएंगे? देखिए, मैं अपने रब से इस रमजान के महीने में ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द हम सबको कोरोना से निजात दिला दे। और जो अभी आपने कहा कि 3 तारीख को, ठीक है, 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा तो शासन काम है, शासन डिसाइड करेगा खत्म होना है कि नहीं होना। लेकिन मेरा ये कहना है कि 3 तारीख के पहले तक कोरबा में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं रहेंगे, ये मेरा दावा है, जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है। और रह गया कि जब बोलते हैं ना, जब पेशेंट ठीक होकर आता है तो उसकी देखभाल ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक, हमारा ये अलग बात है कि कोरोना से हमको निजात मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमको धारा 144 लागू करना पड़ेगा, धारा 144 में रहकर काम करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखना पड़ेगा, जिससे ये दोबारा हमारे ऊपर अटैक न कर सके। लॉकडाउन खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ में लोग जीना चालू कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक सर्वे बताता है कि यहाँ कोरबा जिला प्रदूषण के केंद्र है और छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ प्रदूषण है वहाँ वहाँ कोरोना का इंक्रीज है, तो शासन के माध्यम से अपने अपने समाज के होना चाहिए, आप कांग्रेस के नेता समाज से, तो कोरबा जिला प्रदूषण का अभाव है, यहाँ काफ़ी दिन से प्रदूषण मतलब हमेशा होता है और भारत में इसका पहला स्थान है, यहाँ प्रदूषण ना हो तो आप अपने मंच से, अपने पार्टी के माध्यम से, अपने बैनर के माध्यम से प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को इस बात की बधाई दूंगा कि कोरबा में जो, और पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है और जो लोगों का रिपोर्ट आ रहा है उसमें छत्तीसगढ़ से भी बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में भी दिक्कतें नहीं हैं, इसके लिए हमारे प्रदेश के मुखिया जी जो माननीय भूपेश बघेल जी, उनका कुशल नेतृत्व तो इसका श्रेय जाता है। दूसरी चीज़, ये सही बात है, कोरबा में इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, कोयला खदान नहीं है, बालकों की एल्यूमिनियम प्लांट नहीं है, और CSEB मैं बोलता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कोरबा में हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रदूषण तो है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया इस पर उनको चिंता है कि हमको इस प्रदूषण से कैसे निजात दिलाना है। और अभी तो जो लॉकडाउन हुआ है इससे काफ़ी प्रदूषण कम हुआ है, सही है आप कहना कि कोरबा देश में 5वां स्थान है, लेकिन मेरे पूरा उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के मुखिया के कुशल नेतृत्व में ये जो 5वां स्थान है ये कम से कम और पीछे चला जाएगा, कम से कम 10वें 12वें स्थान पर जाएगा, ये आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और आने वाले में आप जब मेरे मिलेंगे तो मैं ये हमारे, चूँकि हमारे CM मुख्यमंत्री जी एकदम जमीनी आदमी है, जमीनी कार्यकर्ता है, और उनको मालूम है कि गरीब की क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, और उस पर बड़ी बारीकी से गौर फिक्र करते हैं, और जिसका नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में
हम पूरे देश में छत्तीसगढ़ का एक अलग पहचान बनाया। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रदेश के मुखिया की तारीफ किया है कि आपने कोरोना को बड़े वेल मेंटेन करके संभाल लिया, नहीं तो आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है इससे बुरी स्थिति हो सकती है। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस और वर्तमान में मैं SACL कॉलियरी मस्जिद का सरपरस्त हूँ। वैसे तो जिंदगी ट्रेड यूनियन में गुजरी और अब साहित्यिक क्षेत्र में कुछ राहत महसूस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कोरबा में आज आपको जो शांति नजर आ रही है कोरोना के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, तो निस्संदेह ये कहना पड़ेगा कि अगर इसका पूरा श्रेय जाता है तो वो माननीय कलेक्टर और उनकी टीम, माननीय SP और उनकी टीम और स्वास्थ्य कर्मी। अगर ये चाको चौबंद नहीं होते तो आज कोरबा जिला की स्थिति दिल्ली और महाराष्ट्र से कम नहीं होती। लेकिन वाह कि इन्होंने जो मेहनत किया है, जो परेशानियां उठाई है, रात और दिन एक होकर के उन्होंने जो सेवा भावना के साथ कोरबा जिला को संवार दिया, बिगड़े हुए हालात को बिल्कुल अच्छी हालत में ले आ दिया, या इसके लिए कोरबा की आवाम और विशेष रूप से मुस्लिम समाज उनका हमेशा जो है कर्जदार रहेगी। और हम ये भी साथ साथ कहना चाहेंगे कि इस कर्जा को शासन प्रशासन को हम जरूर अपने अच्छे कार्य कुशल पूर्वक तरीके से एक शहरी के माध्यम से अपने आप को साबित करके दिखा करके इस कर्ज को हम उतारेंगे। सर बताएं कि अभी प्रदूषण वाला तो बात है, देखिए प्रदूषण की बात जहाँ तक है ये न कोरबा जिला के लोगों के हाथ की बात है, ये नेशनल और इंटरनेशनल और ILO पर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से यहाँ की बात उठाई गई और पूरे देश के माध्यम से भी इस पर प्रयास किया गया। लेकिन ये कह देना कि यहाँ पर्यावरण को हम सुधार देंगे और प्रदूषण को ख़त्म कर देंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर कोयला खदानों को बंद करते हैं, फैक्ट्रियों को बंद करते हैं, NTPC MPV इतनी चीज़ें हैं सबको बंद करते हैं, फर्स्ट क्लास प्रदूषण हो जाएगा, तो ना ये हमारे बस। हाँ, इसको नियंत्रण में रखने के लिए हम अथक प्रयास कर सकते हैं और यहाँ के का प्रशासन जो है इस मामले में बहुत गंभीर है। मुस्लिम जमात के समाज सेवक के नाम से जाना जाता हूँ। आज तकरीबन 45 साल से अपने काउंट की खिदमत करते आ रहा हूँ। आज ये कोरोना के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो कदम संगठन मुस्लिम जमात ने उठाई ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। और मैं तमाम ही लोगों का जिन्होंने भी इसमें ताउन के अपना योगदान दिया मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही हमारी कलेक्टर साहिबा जिन्होंने अपने पूरे अमले के साथ में जो कुछ भी कार्य कोरबा ज़िले के लिए किया है वो इतना ज़्यादा काबिल तारीफ है कि इसमें हम कुछ भी बोले तो हमारी जबान कम है। और साथ ही प्रशासन की ओर से SP साहब और उनका पूरा अमला जो काम किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। और डॉक्टरों ने जो काम किया है, जो दिन रात अपनी मेहनत करके लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को हर तरीके से मतलब बचा रहे हैं, हर तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। और साथ ही नगर निगम महापौर जी गुरपाल सिंह कंवर जी और आयुक्त जी इन्होंने बहुत कुछ अपनी जानिब से किया है, अपने टीम की जानिब से किया है, ये भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा खासकर हमारे शहरवासियों को कि अपने जितने भी मतलब आप लोगों ने बलिदान दिया है आपका बलिदान कम नहीं होगा, कुछ ज़ाया नहीं जाएगा। खासकर आप कोरोना का ध्यान रखें, अपने बच्चों को खासकर जवान तबकों को थोड़ा सा ताकीद करें ताकि वो ज़्यादा गाड़ियों में ज़्यादा घूमे फिरे ना और लोगों से डिस्टेंस बना करके चले और हो सके उनसे तो लोगों की मदद करें। बच्चों से मेरी गुजारिश है, तमाम जवान लड़कों से भी मेरी गुजारिश है कि आप कम से कम लोगों की मदद करें, अगर आप सक्षम हैं तो आपसे जितनी भी मदद हो सकती है वो करें। शब्बीर अहमद जामा मस्जिद हमें बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम उठाए हुए हादसा तो हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, मगर ये जैसा कोरोना के जो हालात जिसे आज पूरी दुनिया में हजारों लोगों की जान जा चुकी है
और इसका यहाँ कुछ असर हमारे इंडिया में भी और हमारे सूबा में भी पैर पसारा हुए है। और इस सिलसिले में इसमें कोई शक नहीं कि लोगों का काम बंद हो गया और गरीब परेशान है। इन हालात को देखते हुए सुन्नी मुस्लिम जमात ने ये कदम आगे बढ़ा के लिए किया कि भाई हम कुछ ऐसा काम करें कि हर गरीब तक जो है हम कुछ सामान खाने पीने का सामान पहुँचाएँ ताकि उनकी कोई परेशानियाँ दूर हों। ये काबिल तहसीन काबिल तारीफ जो कदम उठाया सुन्नी मुस्लिम जमात ने इसकी बहुत ही सबका बहुत भारी योगदान रहा है इस सिलसिले में और बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने कंट्रोल किया है। काबिल तारीफ है। अगर वो इतना कंट्रोल नहीं करते तो शायद हमारा शुरुआत कोरोना के मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता। काबिल तारीफ है, बहुत तारीफ के लायक है हमारे कलेक्टर साहबा जी, स्कूल साहब, एस डी एम क्या उनकी पूरी टीम और पुलिस प्रशासन सभी लोगों ने और स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरे अपनी जान की बाजी लगाकर बहरहाली के कोरोना के मामले में उन्होंने बहुत अहम भूमिका अदा किया है। मैं सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।